एक बहुत ही गंभीर समस्या जो ज्यादातर लोगों को देखने आती है वो है प्री मेच्योर एजुकुलेशन, जिन्होंने कहते हैं शीघ्र पतन। शीघ्र पतन की चीज है? शीघ्र पतन असं उदों कहने हैं कि जो कोई भी मर्द अपने पार्टनर नूं सैक्स दौरान सैटिस्फाई नहीं कर पाता, भाव कि उहदा डिस्चार्ज अपने पार्टनर तो पहला ही हो जाता है। इस कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि लोग पिछले दिन आकर 3 मिनट जी, 4 मिनट जी, 5 मिनट जी, इस कोई यह टाइम नहीं दिता गया। बुक सही कहते हैं कि यह वो मरीज हैं जोड़े अपने पार्टनर नूं सैक्स दौरान सैटिस्फाई नहीं कर पाते। इहदा इलाज सौखा है, पर हुंदा की है कि जो मरीज नूं प्रीमैच्योर एजुकुलेशन शीघ्र पतन हुंदा है उहदे मन च डर पै जांदा है ते नाल उहदे च अरैक्शन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फिर दो प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ना पुसता कह लो ते नाल प्रीमैच्योर एजुकुलेशन शीघ्र पतन। बहुत सारे डाइवोर्स जिहड़े 15 दिन दे विच विच जां महीने च हुंदे हन वो इस करके हुंदे हन कि बंदे का सैक्स करन तों पहलां ही डिस्चार्ज हो जाता है। स्टार्टिंग दी प्रॉब्लम सिर्फ एंगजायटी करके होंदी है, पर बाद चों ये मानसिक प्रॉब्लम नाल ऐड कर देती है जिस करके प्रॉब्लम होर गंभीर हो जाती है। प्रीमैच्योर एजुकुलेशन नू डायग्नोस करने लई जां इह कहण लई कि तुहानू शीघ्र पतन हो रहा है, कोई भी टैसट नहीं है, यह तो मरीज की गल करन ते पता लगता है कि इहनू प्रॉब्लम यह है। इहदा इलाज बड़ा सौखा है, कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ दवाइयां हैं, ते नाल ही काउंसलिंग का बहुत वड्डा पार्ट है जिन्ना मरीज ठीक हो जाता है। इस करके जदों भी किसी नूं टाइम की प्रॉब्लम आवे, किसी हकीम को जाके या मेडिकल से जाकर दवाइया खाण नालों एक डॉक्टर को जाके चैक कराओ, तुहानूं प्रॉपर दवाई दे, तुहानूं प्रॉपर एक्सरसाइज समझाए, ताकि तुसीं अपने इस प्रॉब्लम तो निजात पा सको।